तो मैंने मेरे दिमाग में एक अलग सी बात आई कि आए वो कोई गेस्ट यहाँ पर तो उनको अपना घर जैसा लगे, उनका हम दोहन नहीं करें कि उनके हर तरह से उनसे हमको पैसा ही लेना है, उनको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन भी हो और एक हमारा एक रिलेशन बने जो लंबा चले। वो यहाँ पर जाकर रहे और बाद में वो कहीं और अपने यहाँ के उदयपुर के एक्सपीरियंस शेयर करें तो उनके अंदर एक खुशी महसूस हो। कि जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं तो वो दुनिया में चाहे कहीं पर भी घूम के आएँ, लेकिन उदयपुर का उनका एक अपना फीलिंग बहुत अच्छी होती है, उनको यहाँ पे घर जैसा लगता है, जिससे ऐसा लगता है कि वो यहाँ परिवार के बीच में है। तो यही कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया कि होटल्स जो होती है उनमें एक प्रोफेशनलिज्म होता है, उनकी अपनी प्रोटोकॉल होती है, उनका स्टाफ जो भी होता है उनकी मेन उनका उद्देश्य होता है कि वो अर्न करें। इसमें हम हमारे जो पर्यटक आते हैं उनको हम घर जैसा माहौल प्रोवाइड कराते हैं, घर जैसा खाना वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, और दूसरी भी जो भी सुविधाएं वो चाहते हैं, हमसे जो सहायता चाहते हैं वो सारे हम प्रोवाइड कराते हैं। हमारे यहाँ पे किसी तरह कोई कमीशन वगैरह का, जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री में कमीशन का चलता है, उस तरह का हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं चलता है। हम जो बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर है उनसे उनको सर्विस दिलवाते हैं, और अगर कोई कंप्लेन होती है तो फिर उस सर्विस प्रोवाइडर को हम दोबारा नहीं बुलाते, जैसे ऑटो टैक्सी वाले हैं या और भी दूसरे कोई। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग रहते हैं साथ में ही, हमारा परिवार ही रहता है, तो जो लोग यहाँ पे आते हैं उनको एक पारिवारिक माहौल मिलता है। फिर प्लस जो सिटी के बारे में कुछ उनको जानना है, सपोज़ वो उनको कैसे प्रोग्रामिंग करना है, उनके पास जो वक्त है उसमें वो कैसे बेटर अपना प्लान कर सकते हैं, तो वो हमारे एक्सपीरियंस उसमें बहुत काम आते हैं। कई बार हम उनका पूरा पूरा प्रोग्राम बना देते हैं कि आपके पास इतना समय है, इस समय आपको ये देखना चाहिए, इस समय आपको वहाँ जाना चाहिए, वहाँ इस समय जाओगे तो आपको ज़्यादा कम्फर्ट रहेगा। तो ये सारी प्रोग्रामिंग के में टूरिस्ट को बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि राजस्थान में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज वगैरह या इस तरह का नहीं है, तो यहाँ पे मेन पर्यटन उद्योग जो है बहुत बड़ा उद्योग है, तो पर्यटन उद्योग में ये इस तरह का जो हमने कर रखा है होम स्टे, इससे काफ़ी लोगों को अतिरिक्त आय हो जाती है और पर्यटकों को भी अच्छा माहौल मिलता है, घर जैसा माहौल मिलता है। और विशेष तौर से भारतीय पर्यटक तो ठीक है सारा समझते हैं, पर विदेशी पर्यटक जो आते हैं उनको हमारी संस्कृति को समझने में बहुत सहायता मिलती है। तो मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मुझे कोई हर तरीके से उनसे पैसा कमाया जाए, क्योंकि मेरी अपनी जॉब सिक्योरिटी है और एक फिक्स इनकम तो मेरे पास आती है। तो मुझे क्या लगता है कि मैं जीवन में उन लोगों से अच्छे रिश्ते हम लोग बनाएं।